अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है उस्मान मकसूद। आज हम आए हैं मक्खनपुरा और उस्ताद मोता जी के मूंग चने खाने। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है भाई का? फहद। फहद भाई? फहद। फहद भाई, हाँ जी। फहद भाई, कितने अरसे से है मोता जी चने वाले? ये हो गया 31 साल हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह से। मोता जी कौन है? ये उस्ताद है हमारे। किधर है? ये भी नहीं आए, अभी आ जाएंगे 9-10 बजे। बिल्कुल। तो ये जो मोता जी हैं, इनकी थोड़ी हिस्ट्री का बताएंगे, कौन है, कहाँ से आए थे, इधर कहीं हैं? ये उनकी पैदाइश लाहौर की है। ठीक है। उन्होंने लाहौर में काम शुरू किया था तकरीबन 31 साल पहले। उन्होंने छोटा सा टीला लगाया था माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इधर देखने बढ़कर ताली तरक्की दी। ठीक है। और ये देखने आपके सामने ही है। बिल्कुल ठीक है। इसी शॉप से शुरू किया था? ये सामने शॉप थी पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं पाइप देख रहा था, ये पाइप का क्या चक्कर है? ये पाइप पहले आते थे बाल्टियों के जरिए, अब आते हैं ये पाइप के जरिए चले। बिल्कुल ठीक है। ऊपर मेकिंग हो रही है इसकी? हाँ जी, ऊपर हो रहा है, सारा तैयार हो रहे हैं। तो उसकी मेकिंग शेकिंग देख सकते हैं हम? हाँ जी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी मेकिंग देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कैसे बनते हैं। और ये इस पाइप से होते हुए इस पतीले में आते हैं? हाँ जी। और इसकी क्या साइंस है, ये भी चेक करते हैं? ये साथ में अभी साइंस है। अच्छा। उन्होंने बहुत दिमाग के साथ ये सारा सिस्टम तैयार करवाया। बिल्कुल ठीक है। ये आम बंदा नहीं करवा सकता, ये दिमाग वगैरह लड़ाना चाहिए, तो फिर जाके ये तैयार शेयर हुआ। अच्छा, पतीले में चने मौजूद हैं और ये पाइप से और मजीद चने आते रहते हैं, इसका मतलब है कि ये आपका जी काफ़ी ज़्यादा? एक दिन में कितना बेचते हैं चने? ये माशाल्लाह बेच लेते हैं 250 किलो। 250 किलो, ठीक है। और है क्या क्या आपके पास? हमारे पास होते हैं अंडा चने, मुर्ग चने। अंडा चने और मुर्ग चने। देसी मुर्गे है कि ब्रायलर है? ब्रायलर। चलें जी आगे, हम देखते हैं पहले जो मेकिंग चेकिंग हो रही है वो हम जाके देखते हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ पर आके हम खाएँगे भी और फिर आपको रिव्यू भी देंगे कि क्या लाइक है। अच्छा जी, यहाँ ये इनका किचन है बेसिकली, यहाँ पे इनकी मेकिंग होती है। और ये देखें जी सामने माशाल्लाह से दो बड़े बड़े पतीले, बल्कि 3 पतीले पड़े हुए हैं जो कि मेकिंग हो रही है इस टाइम। और ये सर वो सिस्टम है जहाँ पे वो चने डाले जाते हैं और पाइपों के थ्रू वो नीचे पतीले में गिर जाते हैं। बाद में मुर्ग चने वैसे ये क्या प्लेट है, कितने की प्लेट है? ये 200 रुपये की प्लेट है। हमारे पास है इस टाइम 2 मुर्ग चने की प्लेटें, तो हम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा लाइक है। चुने इनके ग्रेवी वाले हैं जो कि मेरे पसंदीदा हैं। सुनोगा जी, अपना बहुत ज़बरदस्त सा पीस है। अगर हम चिकन के अलावा की बात करें, चिकन चूँकि अलहदा से तैयार किया जाता है, चिकन हो, मछली हो, मटन हो, वो अलहदा से तैयार किया जाता है, वो पीस में ऐड किया जाता है। लेकिन चनों का अगर अपना टेस्ट ना हो, फिर ये मटन ऐड हो जाए या चिकन ऐड हो जाए या कोफ्ते ऐड हो जाए, उसका फायदा कोई नहीं होता। तो जनाब, हमने नाश्ता कर लिया है और चने मज़े के थे। 100% रिकमेंडेड है, आप आएँ, ज़रूर आएँ। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जो पाइपों में जिनमें ये चने आके गिरते हैं पतीले में, वो पतीले, वो जो पाइप हैं बेसिकली वो बने हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, बड़ा अच्छा सफाई का निज़ाम है। अभी मैं ऊपर इनके किचन में भी गया था, सफाई वगैरह प्रॉपर थी, पतीले साफ़ सुथरे थे, बर्तन वगैरह साफ़ सुथरे थे। और यही चीज़ें होती हैं, टेस्ट अच्छा मिल जाए और साफ़ सुथरा खाने को मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। भजन एक लस्सी, एक लस्सी। अच्छा जी, नान चने के सामने ही हमें लस्सी वाला भी मिल गया, अल मदीना मिल्क शॉप, वो अभी आपको दिखाते हैं और यहाँ से लस्सी भी पीते हैं। नान चनों के बाद लस्सी ना पी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये है जी लस्सी, ये अब हम पीते हैं और फिर आपको बताते हैं ये लस्सी कैसी है। लस्सी देखने में तो प्यारी लग रही है, पीने में भी शायद मज़े की हो। अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान बाद भाई, नाश्ता हमने कर लिया माशाल्लाह से, बड़ा मज़ा आया, आपका बहुत शुक्रिया, बिल हमने दे दिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
ये यहाँ से हमने जी मंगवाई थी लस्सी, और लस्सी भी हमने पी है और लस्सी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। ये बिल्कुल उस्ताद मोता जी मूलचने के सामने है जी अल मदीना मिल्क शॉप, और अगर यहाँ पे आएँ आप चने खाने तो यहाँ से लस्सी ज़रूर पीजिएगा। सर कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है भाई का? अंजुम शहजाद साहब। चलें जी यहाँ से अंजुम भाई से आपने लस्सी ज़रूर पीनी है, बड़ी मज़े की लस्सी थी। ये लोकेशन का बताएंगे ज़रा, ये लोकेशन क्या है? लोकेशन यार जो उस्ताद मोता के सामने बिल्कुल चने वाले के मखनपुरा शाह मीरा। मखनपुरा शाह मीरा, चाह मीरा, चाह मीरा, चाह मीरा। ये जी मखनपुरा चाह मीरा है जी जगह। और ये रोड का क्या नाम है? ये नीलम सैनवा रोड जो बोलती है, ये रोड का नाम है जी नीलम सैनवा रोड। और यहाँ पे आप आएँ उस्ताद मोता के चने खाएँ और अल मदीना अंजुम भाई की लस्सी पिएँ लाजमी। अच्छा जी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।